हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास ट्वेल्थ राजनीति विज्ञान का जो पहली बुक है हमारी समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 2 सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र। ऑलरेडी इसका पहला चैप्टर आ चुका है एंड थर्ड चैप्टर भी आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखें और पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ के साथ जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के जो चैप्टर है हमारा नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 जो ये है, ये 1990 के बाद का चैप्टर है। 1990 के बाद, बिकॉज आपने चैप्टर 1 के अंदर जो देखा इसका कि 1991 के अंदर हुआ ये था कि जो आपका सोवियत संघ था, जिसे हम USSR कह रहे हैं, सोवियत संघ, उससे वो 15 देश अलग हो गए थे और वो उसका विघटन हो गया था। तो उसके बाद जो दुनिया के अंदर क्या है, एकमात्र महाशक्ति बचा था अमेरिका। तो उसके बाद उसको टक्कर देने के लिए उसके सामने कौन कौन से नए संगठन, नई ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कौन कौन से संगठन बनाए गए, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर बनाया गया। तो चैप्टर को कम्प्लीटली देखिए और बहुत मज़ा आने वाला, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। जो उसमें पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, मतलब जो टॉपिक आपको कवर कराएगा इस चैप्टर के अंदर, जो पार्ट 1 वाला वीडियो है, पार्ट 2 भी वीडियो आपको मिलेगा इसका। बेसिकली पहले पार्ट के अंदर जो इस वाली वीडियो में है आपका यूरोपीय यूनियन, जैसे यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जैसे आसियान के बारे में पढ़ना हमें, चीन के बारे में, जो इसके अलावा चीन और भारत के संबंध क्या रहे, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिक्स, ये हमारा इस वाले वीडियो के टॉपिक रहने वाले। एंड साथ के साथ देखें जो पार्ट 2 आपको मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो उसमें क्या है, आपके चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आए भी हैं पहले, मैप होगी इस चैप्टर के, और जिससे भी जो क्या है ऐसे चीज़ें जो कार्टून पर बेसिस, मैप तो है ही साथ के साथ, लेकिन वो क्वेश्चन जो कि कार्टून से बेसिस जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, तो इनके क्वेश्चन भी आपको इस सेकंड पार्ट के वीडियो में दिए जाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि हमारा यूरोपीय यूनियन। तो उसके बारे में थोड़ा सेंटर दिया गया है यहाँ पर कि यूरोपीय यूनियन बेसिकली इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है और इसमें 28 सदस्य वर्तमान समय में मौजूद है, जिसमें आपको लिस्ट दी जा रही है। इसमें से अगर मैं नाम पढ़ के बताऊं थोड़े से आपको, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाम है जैसे आपका ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लतविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन, ये इसके क्या सदस्य देश हैं जो आज के समय में। तो एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, यूरोपीय संघ के अंदर, तो हमने बताना है कि 28 मेंबर इसके अंदर शामिल हैं। अपार्ट दिस, इस टॉपिक के बारे में हमें और चीज़ें पढ़नी, इसमें यूरोपीय संघ का निर्माण कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसको ताकतवर बनाने वाली विशेषताएं और इसके अंदर क्या क्या कमजोरियां पाई गई, तो ये चीज़ें भी हम इस वाले चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। तो पहला जो इसमें कवर कर लेते हैं निर्माण प्रक्रिया, जैसा कि आप फ्लो चार्ट आपको बुक में भी मिल जाएगा कि यहाँ पर यूरोपीय निर्माण प्रक्रिया के अंदर देखा कि अप्रैल 1991 से शुरू होकर के ये फाइनली फरवरी 1992 में जाकर के एंड जनवरी में जाकर के एक तरीके से क्या है यहाँ पे इसकी स्थापना की बात कर ली जाती है। एंड उसके बाद क्या है कुछ नई चीज़ें की जाती है, तो उसी को देखेंगे। तो ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बिल्कुल आप ले लो। एंड अब इस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट आपने देखा जो था 1951 के अंदर, अप्रैल का 1951 में हुआ ये था कि जो पश्चिम यूरोप के 6 देश थे, जैसे फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन्होंने एक पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक बात थी कि जो इसमें यूरोप ये जो कोयला और इस्पात है उसका एक समूह बनाया जाए। तो उसका एक समूह बना दिया गया 1951 में। उसके बाद उसके कुछ सालों बाद मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने एक और संधि पर हस्ताक्षर, जिसका नाम था रोम की संधि। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक और संगठन बनाया गया, इसका नाम है AEC। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, AEC, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसके अलावा एक और साथ के साथ यहाँ पे गठन किया गया, जिसका नाम था यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय। इन दोनों चीज़ों का गठन किया गया मार्च 1957 में। उसके बाद उसके अगले ही कुछ समय बाद देखें थोड़ा सा यहाँ पे, तो जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन ने भी इसकी सदस्यता ले ली, किसकी, इन दोनों की। इसके बाद जून 1979 में यूरोपीय संसद ने पहला प्रत्यक्ष चुनाव करा, मतलब यूरोपीय संसद बनाई गई उसमें पहला चुनाव कराया गया। उसके बाद 1981 के बाद जो ग्रीस है उसने यूरोपीय समुदाय था उसका सदस्य बन गया जनवरी 1981 में। ठीक है, अबाउट दिस क्या हो रहा है, सॉरी
आगे देखिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट हो गया यहाँ पे बाय मिस्टेक। चले कोई नहीं, कंटिन्यू करते चैप्टर को। आगे देखें कि हमारा क्या हुआ 1985 में। 1985 की अगर बात करें हम, तो 1985 में सांगेन संधि हुई थी, जिसमें यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त करने की बात थी। मतलब कि आसपास देश एक दूसरे में जा, सांगेन संधि का मतलब ये था कि इसके सदस्य देश एक दूसरे देशों में आराम से जा सकते हैं, ठीक है। उसमें बॉर्डर का लिमिटेशन नहीं हो सकता, वीज़ा फ्री करने की बात कर रहे हैं लोग। चलिए आगे थोड़ा सा देखें कि जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी इसका सदस्य बन जाते हैं। मतलब EEC मेन इसमें कमेटी कौन सी है, यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी, इसके सदस्य धीरे धीरे देश बनते जा रहे हैं सभी। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था, जर्मनी भी इसके साथ जुड़ जाता है। फरवरी 1992 के अंदर यूरोपीय संघ का गठन किया जाता है, एक संधि जिसका नाम था मास्टर संधि। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस संधि के तहत यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया, तो उसका आंसर है मास्टर संधि के तहत इसका निर्माण किया गया। जनवरी 1993 में एकीकृत बाजार का गठन कर लिया गया, और इस प्रकार से देखा जाए तो 1 नवंबर 1993 में मास्टर संधि के तहत यूरोपीय संघ का निर्माण हो चुका होता है। अब बात करें इसके बाद क्या क्या चीज़ें इन्होंने अपनाई, तो जनवरी 2002 के अंदर देखा यूरो जो इसकी मुद्रा है 12 सदस्यों ने उसको अपना ली। इसके बाद अगर बात करें हम मई 2004 के अंदर, तो मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, ये लोग भी इसमें शामिल हो गए। एंड जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल हुए, और स्लोवेनिया ने यूरो को अपना लिया। तो ये सभी मतलब धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें हुई, और इस प्रकार से एक संगठन बना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसका नाम है आपका यूरोपीय संघ। ऊपर देख सकते हैं इसके फ्लैग वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन आता है, खैर आपको आगे मिलेगा इसका रिलेटेड। ये इसका फ्लैग है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दिया जाएगा। खैर इस वाली वीडियो में भी, और पार्ट टू का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो, वहाँ पे भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है। सो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमारा क्या है यूरोपीय संघ के निर्माण की प्रक्रिया हो गया। अब बात आती है कि भाई यूरोपीय संघ के विचार की बात आई कहाँ से, यूरोपीय संघ का गठन का विचार आया कहाँ से, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के विचार आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो नेता, जो बड़े बड़े देशों के नेता थे जो लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उन्हें ये लगा कि क्या उनकी दुश्मनी वैसे ही जारी रहेगी, या उनको एक नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापना करना चाहिए। तो भाई यही बात है कि पहले हम लड़ झगड़ लिए, खून खराब हो चुका है, तो क्या स्थिति ऐसे ही रहेगी या उसमें कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोचा गया कि अब नए संबंधों को नए तरीके से स्थापित किया जाए, ठीक है। क्योंकि अब देखा गया कि 1939 और 1945 की भी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यूरोप के अधिकतर देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बादी देखी थी। क्योंकि भाई देखो, जब युद्ध होता है तो सभी देशों की बर्बादी होती, किसी को लाभ नहीं होता, सबको हथियार लगाने पड़ते, लोगों की जान जाती है, तो उसमें सभी को बर्बाद हो रहा था। तो उन्होंने 1945 के बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ, तो इन देशों को और भी साथ मिला दिया। आपको पता नहीं शीत युद्ध में क्या हुआ था, USA एक तरफ, ठीक है, और जो USSR मतलब सोवियत संघ वाला जो एरिया है वो एक तरफ हो गया था। तो दुनिया के अंदर दो महाशक्ति की वजह से अब क्या यूरोप के देश एक तरफ हो गए, और जो दूसरा यूरोप था, जो हमारा पूर्वी यूरोप था, उधर के देश एक साथ हो गए। तो दो खेमे बढ़ गए थे, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। एंड इसके अलावा एक और योजना थी, मार्शल योजना, जो अमेरिका ने दी थी दुनिया भर के देशों को, ताकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक से, अच्छे तरीके से उनको ठीक किया जा सके, उसका पुनर्गठन किया जाए जबरदस्त तरीके से। सो ये हो गया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो कारण है यूरोपीय संघ के निर्माण के गठन का विचार देने वाले कारण थे, जिनसे ये पता चलता है कि यूरोपीय संघ का निर्माण इस कारण से किया जाना चाहिए था। सो आप इसकी विशेषताओं से पहले इसका है उद्देश्य, आपका ये उद्देश्य हम पता है, इसका उद्देश्य क्यों किया, मतलब इसको बनाया क्यों गया। तो देखो कैसे विचार, वो अलग चीज़ है। आपने सोचा कि मुझे ये काम, सोचा आपने ये काम करना चाहिए, तो वो उसकी शुरुआत कैसे, वो था वो मुद्दा भैया गठन का विचार। अब वो अब बन गया तो उसको काम क्या करेगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसका आगे वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहली चीज़ है, एक समान विदेश और सुरक्षा नीति होनी चाहिए। जितने भी सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के, तो वो सारे के सारे देश क्या करेंगे, एक जैसी विदेश नीति को और सुरक्षा नीति को मानेंगे। दूसरा, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करेंगे। देश के अगर आंतरिक मामले हैं, न्याय से जुड़े मामले हैं, तो सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जैसी मुद्रा चलाएंगे वहाँ पे यूरो, और वीज़ा मुक्त आवागमन, जैसे बताया था ना सांगेन संधि के तहत क्या क्या थे देशों के अंदर, सीमा पर आने जाने पर क्या वीज़ा मुक्त कर दिया गया था। ओके, अब बात आई इसकी विशेषताएं, यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं। तो विशेषता नंबर एक जो इसमें दी गई है वो है, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था को राजनीतिक संस्था के रूप में बदल दिया। पहले ही क्या थी, आर्थिक थी, जिसने EEC करके स्टार्टअप किया था, अब ये पॉलिटिकली भी लोगों को सपोर्ट करने लगे। तो ये पहले नंबर विशेषता बन गई इसके। दूसरी बात है, जो अब क्या है, जो यूरोपीय संघ है वो विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा। पहले क्या था, एक स्टेट था,
एक स्टेट बोले तो एक एक स्टेट मिलकर के बहुत सारे स्टेट हो गए। अभी बहुत बड़ा राज्य की तरह काम करता, अभी कोई सिंगल देश नहीं है, ये सिंगल स्टेट नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे देश हैं जो कि एक जैसे एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ये काम करने लगा है। इसका अपना एक राष्ट्रीय गान है, अपना झंडा है, अपना स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा जिसे हम यूरो कहते हैं। तो ये सब क्या है, यूरोपीय संघ की खास बातें हैं। अपार्ट दिस की अगर हम बात करें अगले पॉइंट को लेकर के, जो चौथा पॉइंट है हमारा कि अन्य देशों के साथ, जो अन्य देशों के संबंध की बात करें तो इस मामले में काफ़ी हद तक इन्होंने साझी विदेश नीति, मतलब एक जैसी विदेश नीति बोले तो, अगर एक देश ने क्या किया कि पूंजीवाद को अपनाया, दूसरे ने भी क्या किया पूंजीवाद को अपनाया, एक ने अपने देश में निवेश खोला है तो दूसरे ने भी अपने देश में क्या किया निवेश के अवसरों को छूट दे दी। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर विदेश नीति की बात करें तो ये कोशिश करते हैं कि सभी देश एक जैसी विदेश नीति का पालन करें। अब बात आ गई भाई इसके यूरोपीय झंडे की, तो जो यूरोपीय झंडा इसके में 12 सोने के सितारे लगे। अब ये क्या बताता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो कैसा और क्या बात प्रकट करता है। तो यूरोपीय संघ के जो झंडे में सोने के रंग के, सुनहरे रंग के सितारों का एक घेरा राउंड सर्कल बना हुआ है, और यूरोप के लोगों जो कि यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इस घेरे में 12 स्टार्स हैं, क्योंकि 12 की संख्या पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। तो पहली चीज़ है कि इसके झंडे में क्या है, एक सर्कल फॉर्म में 12 स्टार बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है, 12 स्टार लगे हुए उस पर अलग प्रकार से, मतलब अलग क्या गोल्डन कलर के लगे हुए हैं। और 12 ही क्यों है, क्योंकि 12 का वहाँ पे बड़ा अच्छा माना जाता है कि ये अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में संपूर्ण है, एकता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया। अगर सिंपली बात करें तो ये जो 12 झंडे हैं यूरोप के देशों की पूर्णता, समग्रता और एकता के मिल मिलाव का प्रतीक बन करके है। तो ये उसका झंडा जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में एक या दो नंबर में, तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाली विशेषताओं की अगर हम बात करें कि यूरोपीय संघ को ताकतवर कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब 2005 में यूरोपीय संघ था वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी, और इसका जो GDP है वो अमेरिका से भी ज़्यादा था। फिर 2016 में ये रिकॉर्ड किया गया कि 2016 में ये दुनिया में दूसरे नंबर पर था, 2016 में दुनिया में दूसरे नंबर, जिसकी जो GDP है 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी, जो लगभग अमेरिका के बराबर था, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है जिसका नाम क्या है, यूरो, आपको याद रखना पड़ेगा, अमेरिकी डॉलर से भी आगे निकल गई, मतलब अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व के लिए खतरा बन करके तैयार हो रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि इसने विश्व व्यापार की बात करें, दुनिया के अंदर व्यापार के अंदर जो हिस्सेदारी है अमेरिका से इसकी 3 गुनी ज़्यादा, वो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका एक अलग देश है और यहाँ पे बहुत सारे देश मिलकर कर रहे, तो ये 3 गुना ज़्यादा व्यापार करता है दुनिया के साथ में, किसके अलावा, किससे पहले, अमेरिका से ज़्यादा, भाई 3 गुना व्यापार है इसका, ठीक है। तो उस आर्थिक शक्ति की अगर बात करें हम, इसकी जो आर्थिक शक्ति यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी है, अफ्रीका और एशिया के देश भी इसकी बात को मानते हैं कि भाई ये क्या आर्थिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा देश है, पावरफुल देश है, ठीक है। और ये विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है, भैया देखो ये यूरोपीय यूनियन किसका है, विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में भी काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करें तो इसका वर्तमान समय में इसका जो सदस्य है फ्रांस, वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। आपको चैप्टर नंबर शायद 4 में मिलेगा इसके बारे में पढ़ने को, जो नए सिलेबस के हिसाब से, पुराने बुक के हिसाब से वो 6 चैप्टर था, तो उसमें पता चलेगा फ्रांस को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इसके चलते यूरोपीय संघ को समेत सभी राष्ट्रों की जो नीतियाँ हैं वो प्रभावित होती हैं, क्यों, जब भी कोई मुद्दा UNO के अंदर जाता है तो फ्रांस वहाँ पर यूरोपीय यूनियन की बिल्कुल क्या करेगा भाई, प्रतिनिधित्व करेगा, पैरवी करेगा। इसके अलावा जो कुछ सदस्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, यहाँ पे 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, एक नॉन परमानेंट होते हैं, एक जो स्थायी तौर पर बने हुए, दूसरे अस्थायी तौर पर भी, भाई कई देश इसमें शामिल हैं। यूरोपीय संघ का सदस्य देश परमाणु शक्ति संपन्न, जो भैया यूरोपीय संघ का जो फ्रांसिस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु शक्ति की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा परमाणु शक्ति इसके पास, लगभग 335 परमाणु हथियार हैं। ओके, यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है, अमेरिका के बाद इसके पास दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है, इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। बात करें हम अधिराष्ट्र संगठन के तौर पर, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर लिखा होना चाहिए था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। एंड लास्ट में इसकी बात करें हम कि जो अंतरिक्ष की बात करें, विज्ञान की बात करें, IT की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें क्या है, इसको 2nd पोजीशन मिली दुनिया के अंदर। तो हर तरीके से आज यूरोपीय यूनियन सक्षम है अपने आप,
बावजूद इसके भी यूरोपीय संघ के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। हर संगठन बहुत मजबूत होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती हैं, तो ऐसा यूरोपीय संघ के साथ भी। तो उसके सदस्य देशों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो कमजोरी भी बन के आती है इसके जो अपने सदस्य देश हैं कई बार एक जैसी विदेश नीति और रक्षा नीति को अपना नहीं पाते, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया था कि जब इराक पर हमला किया गया था तो जर्मनी और फ्रांस ने ब्रिटेन का विरोध किया था, ठीक है। शायद अमेरिका ने क्या किया था, इराक पर हमला किया था तो ब्रिटेन उसका साथ दे रहा था, लेकिन इसके विरोध में जो फ्रांस और जर्मनी ने इसका पूरा पूरा विरोध किया था। तो कहने का मतलब है कि एक ही संगठन के अंदर दो अलग विचारधाराएं हो सकती है, अलग विदेश नीति हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, यूरोपीय संघ के कई देश अमेरिकी गठबंधन है, बिकॉज अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके भी क्या है, यहाँ पे कई देश इस अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा है जो कि इसके विपरीत जाते हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने से लेकर नाराजगी, कुछ देश ये कहते हैं कि भाई हम यूरो को लागू नहीं करेंगे अपने देश के अंदर। शायद ब्रिटेन के साथ भी ऐसा होता, ब्रिटेन भी इसका सदस्य था, शायद 2016 के अंदर उसने अपनी सदस्यता हटा ली थी इससे। आगे है भी इसके बारे में, तो डेनमार्क और स्वीडन जो मास्टर संधि हुई थी जिसके तहत क्या किया गया था, तय ये किया गया था कि सभी सदस्य देश साझी मुद्रा वगैरह अपनाएंगे, तो इसके तहत जो साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से इनकार करते हैं ये दोनों देश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो देश हैं जो साझी मुद्रा को अपनाने से मना करते हैं यूरोपीय संघ के, तो वो है डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। एंड वही बताए बताए कि वही वाली बात कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 को एक जनमत द्वारा वो अलग हो जाता, तो अब वो ब्रिटेन यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा वो है एशिया, जिसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसके अंदर हम बात करें, जो इसका सिंबल दिखाया गया आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये धान की बालियों वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता तो यहीं पर शॉर्ट आउट कर दिया गया कि आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ हैं जिसके अंदर क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों की ओर संकेत करती है। मतलब ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल है जो कि आपस की मित्रता और एकता के धागे में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और जो वृत्त है वो वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है, मतलब 10 धान की बालियाँ हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये जो गोला है उनकी एकता को प्रकट करता है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट के अंदर हमने क्या क्या कवर करा है वो देखें, तो आसियान पहले क्या है, आसियान के उद्देश्य, आसियान के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं, आसियान की प्रासंगिकता मतलब कि क्या उपयोगी है या कितना उपयोगी रहेगा ये, इसके अलावा आसियान और भारत के संबंध, और लास्ट में हम पढ़ने वाले आसियान के सामने जो आज के समय में चुनौतियां हैं वो क्या है। तो शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट, तो आसियान क्या है, सो शुरू करें हम। तो आसियान क्या है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंग्लिश की अगर बात करें हम, हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका जो सचिवालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश जिसमें से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने बैंकॉक के घोषणा पत्र पर साइन किया और आसियान की स्थापना की। ओके, इसमें एक उद्देश्य यहाँ पे बताया गया, बाकी उद्देश्य का टॉपिक आगे भी मिलेगा आपको। उद्देश्य बात करें तो यहाँ पे जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संगठन को बनाया गया था। बाद में इसमें जो 5 और नए सदस्य ऐड हुए उसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जो बाद में इसमें जुड़े थे। अब जो अगला इसमें जो पॉइंट रहेगा हमारा वो है इसके जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बनाया गया था, ठीक है। तो एक तो आपने ऊपर देख लिया वही चीज़, इसमें क्या था, इसके सदस्य देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को तेज करने के लिए बनाया गया। दूसरा उद्देश्य इसका कानून का शासन हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन, संयुक्त राष्ट्र आगे बता दूँ मैं आपको चौथे चैप्टर में मिलेगा, ये UNO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो, तो उसके सिद्धांतों के पालन की बात की जाती है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संगठन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है ये अपने आप में। और तीसरा जो उसका पॉइंट है हमारा अपने आप में वो है कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार का विस्तार करना, परिवहन और संचार सुविधाओं को सुधारना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और अधिक प्रभावी ढंग से उनके लिए क्या करना, सहयोग करना, ये सब इस संगठन के उद्देश्य हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं देश के अंदर उनके अंदर मुख्य तौर पर सुधार करना। अब ये काम किन चीज़ों के द्वारा करता है, तो आसियान ने कुछ मेन ग्रुप बना रखे हैं, मेन कम्युनिटी बना रखे समुदाय, जिन्हें हम इसके स्तंभ के रूप में जानते हैं। तो स्तंभ जो कि
इसके लिए हेल्पफुल ये कुछ समुदाय हैं, जिसमें पहला समुदाय है आशियान सुरक्षा समुदाय, जो सुरक्षा से संबंधित कामों का समाधान करता है। तो आशियान का जो सुरक्षा समुदाय है, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकरावों तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब ये दिखता है कि अगर दो देशों के बीच छोटी अगर बात को लेकर विवाद है तो मुद्दा बड़ा ना हो जाए। मतलब बड़ा होगा तो वो देश क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा, और युद्ध की वजह से क्या काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। तो आशियान सुरक्षा समुदाय क्या करता है, सुरक्षा वाली स्थिति बना के रखता है ताकि सैनिक टकराव ना होने पाए। दूसरा है आशियान आर्थिक समुदाय। अब आर्थिक मतलब जो फाइनेंशियल मुद्दा है, तो आशियान जो समुदाय का आर्थिक समुदाय है उसका उद्देश्य है आशियान के जितने भी देश हैं उनको देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, कि उनके लिए कॉमन मार्केट, जितने भी देश हैं यहाँ एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे के लिए बाज़ार मिल सके, ताकि ये एक अपने अपने देश के उत्पाद को यहाँ पर बेच सके, और साथ के साथ इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिल सके इस समुदाय के माध्यम से। तो बहुत अच्छा विचार है इसका। तीसरे की बात करें हम तो सांस्कृतिक समुदाय है यहाँ पे आशियान का, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये क्या करता है, इसका उद्देश्य है आशियान के जितने भी देश हैं उनके भी टकराव की जगह क्या हो, आपसी बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाते हैं इसके। तो पूछा जाए अगर कि तीन स्तंभ कौन कौन से, तो आपको तीनों स्तंभों के बारे में ढंग से लिखना है। चलिए अब यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन भी आया है, इसलिए नोट मैंने अलग से बना के रखा है अपार्ट टॉपिक कि आशियान शैली क्या है। तो आपने देखा जो ये देश हैं आपके, जो दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ पे देश हैं, उन्होंने अनौपचारिक तरीके से अपना गठन किया। बोले तो औपचारिक क्या होता है कि ऑफिशियली हम लोग आपस हमेशा मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या अनऑफिशियली, बोले तो ऐसा नहीं कि घुसपैठ कर ली। अनऑफिशियल मतलब हो गया कि भाई एक ऑफिशियली होता है कि हर चीज़ लिखित में होती है, बट यहाँ पे नहीं। मान लो किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे वो ऑफिशियली फॉर्मेलिटी करने पे नहीं, बल्कि क्या है एक्चुअल में मदद करने को तैयार होंगे। तो इसे कहेंगे हम अनौपचारिक। अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाव की वजह से इसने दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करी, अपने दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया और इससे काफ़ी ज़्यादा उसको फेमस हुआ दुनिया के अंदर। इसे इसी को हम आशियान शैली कहते हैं। इसका जो अनौपचारिक टकराव रहित जो सहयोग करने की जो नीति है, यही अपने आप में क्या है आशियान शैली है। अब बात करें इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता कितनी है आज के समय में आशियान की प्रासंगिकता। तो बेसिकली आशियान की प्रासंगिकता में जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो इस बात को दिखाता है कि जो आशियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति, खासतौर से बात करें भारत और चीन जैसे देश तेजी से विकसित होने वाले जो एशियाई देशों के साथ इसका व्यापार निवेश लगातार बढ़ता जा रहा था। मतलब इन देशों के साथ ये लगातार व्यापार कर रहा है। आशियान ने निवेश के मामले में, श्रम के मामले में, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार बनाने के लिए, मतलब फ्री ट्रेड एरिया, FTA इसकी फुल फॉर्म है, फ्री ट्रेड एरिया, आपको उसके बारे में याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे मुद्दों पर भी आशियान ध्यान दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका तथा चीन से मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में इसने अपनी इंटरेस्ट दिखाया है। तो इन देशों से बातचीत करिए ताकि इनके साथ भी फ्री ट्रेड जैसी चीज़ें की जा सके, क्योंकि इनके साथ अगर मिलकर काम करेगा तो क्या होगा, निवेश बढ़ेगा और देश में तरक्की होने लगेगी। आशियान की जो असली ताकत है, उसके अपने सदस्य देशों के साथ सहभागी सदस्य और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच लगातार ये बातचीत करके परामर्श करने की जो नीति है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमेशा क्या बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाता है। ये एशिया का एक ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों को विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। मतलब विश्व में क्या चल रहा है, तो एशियाई की ये दक्षिण पूर्वी देश राजनीति को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, दुनिया के बड़े बड़े देशों के बारे में या शक्तियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं कहाँ पर, आशियान के अंदर। तो एक तरीके से ये मंच है जो एशियाई देशों को क्या है बातचीत करने के लिए एक मौका देता है, एक मंच की तरह काम यहाँ पे ये कर रहा है। अब भारत और आशियान के साथ संबंध क्या है, तो यहाँ से पॉइंट पहला है कि 1991 में भारत ने पूर्व की ओर नीति, मतलब पूर्वी क्योंकि दक्षिण एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, तो जो पूर्व की, भारत से पूर्व के इलाके में ये सारे राज्य स्थित हैं आशियान के, तो भारत ने पूर्व शरण नीति अपनाई और भारत ने आशियान के दो सदस्य सिंगापुर और थाईलैंड के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करें, और 2010 में आशियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू भी कर दी गई। पहले बातचीत हुई, उसके बाद ये 2010 से इसे लागू भी कर दिया गया। हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री है आशियान देशों की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा भी की उन्होंने और विभिन्न क्षेत्रों को सहयोग बढ़ाने पर समझौते भी किए हैं। अभी बताइए आप कमेंट करके कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, फिर बच्चे बच्चों को पता है, वरना अगले स्लाइड में तो आपको दिख ही जाएगा कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में पता चला ना कि भारतीय प्रधानमंत्री घूम करके आए हैं। चलिए
अच्छा एक और चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1991 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, जब पूर्वोच्चलो नीति थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो देखिए आगे आगे जो जो हमारा इसके बाद है कि पूर्व चलो नीति के तहत 2018 में जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया था भारत के अंदर, तो इन देशों के जो भी मुखिया हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित किया गया था ताकि वो भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हो सके और भारत और आसियान के संबंध अच्छे बन सके। ये उसका एक फ़ोटो है आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भारतीय प्रधानमंत्री और बाकी ये आसियान के सदस्य देश हैं। ठीक है, तो 2018 के अंदर नई दिल्ली के अंदर आसियान नेताओं को यहाँ पे एक साथ भाग लेते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के दिखाया गया। इससे भारत और जो आसियान है उसके संबंध को यहाँ पे प्रकट किया गया बहुत अच्छे तरीके से, कैसे हमारे संबंध आसियान के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब आसियान के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, एकल बाज़ार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से क्षेत्रीय असंतुलन होता है। मतलब एक जैसा अगर बाज़ार होगा और आर्थिक नीतियाँ होंगी तो सामाजिक स्थिति थोड़ी सी ख़राब होगी। कोई देश छोटा है, कोई देश बड़ा है, किसी देश का बाज़ार छोटा है, किसी देश का बाज़ार बड़ा है। तो जिसका बाज़ार बड़ा है तो उसको लाभ होगा, लेकिन जिस देश का बाज़ार छोटा है तो वहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रीय असंतुलन फैलने की संभावना बनी रहती है, कहीं बड़ा देश छोटे देश पर, कहीं खैर मुख्य तौर पर छोटे ही देश हैं लेकिन फिर भी क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक डर बना ही रहता है। दूसरा है सदस्य राष्ट्रों की जो राजनीतिक प्रणाली है वो अलग अलग होनी चाहिए, होना जैसे किसी में भाई लोकतंत्र है। यहाँ पे अगर देखें आसियान के ज़्यादातर देशों के अंदर एक जैसी शासन व्यवस्था नहीं, कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर सत्तावादी शासन है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है। तीसरी बात करें तीसरे पॉइंट की, कि आम सहमति पर अत्यधिक बल इसका मुख्य दोष है। मतलब जब तक सब तैयार नहीं होते, जब तक उस मुद्दे पर कोई खास बातचीत नहीं होते, मान लीजिए कोई कठिन समस्या होती है तो उनको टाल दिया जाता है कि चलो छोड़ो सभी राजी ही नहीं तो उस मुद्दे को हटा देना चाहिए, बल्कि होना ही चाहिए उस मुद्दे को लेने के लिए कोई सटीक ग्रुप होना चाहिए, कोई एक यूनिटी होनी चाहिए जो इस बात को सहमति बना सके। चलिए सहमति को लागू करने के लिए कोई केंद्रीय तंत्र, जैसे बताया ना केंद्रीय तंत्र बोले तो एक पावरफुल सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे, तो ये कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है आसियान के। एंड लास्ट पॉइंट इसका, आसियान सदस्यों के बीच अमीरी और गरीबी का बहुत अंतर, कुछ देश तो बहुत रईस हैं और कुछ क्या है जिनके पास बहुत ज़्यादा धन की कमी, निर्धन जनसंख्या बहुत अधिक है और साथ के साथ आय की असमानता है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि कमज़ोरी के रूप में दिखाई दे रही हैं आसियान के। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब जो मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, दुनिया की जो सुपर पावर बनने वाला है या कहें बनने वाला है, क्या जिसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकास कर रही है, वो है चाइना। तो इसी टॉपिक को इस चैप्टर में कवर किया गया, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, किस प्रकार से चीनी अर्थव्यवस्था दुनिया में आगे निकल रही है, क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, एंड सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चाइना के बारे में ओवरव्यू में पहला क्या है कि ये आज़ाद हुआ 1949 के अंदर, 1949 में यहाँ पे क्रांति हुई थी। इसके बाद यहाँ पे समाजवादी साम्यवादी शासन जैसा कि USSR ने पहले अपनाया था। ठीक है, तो शुरुआत में ये क्या था, साम्यवादी शासन पर आधारित शासन को अपनाया था इसने। उसके बाद क्या हुआ, 1973 के अंदर 1973 में जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, नाम याद रखिएगा चाउ एन लाई, इन्होंने आधुनिकीकरण से रिलेटेड चार प्रस्ताव रखे। वो क्या है वो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। खुले द्वार की नीति यहाँ पे अपनाई गई 1978 में, जो व्यक्ति थे जो नेता थे इनका नाम था देंग श्याओपिंग ने यहाँ पे खुले द्वार की नीति को रखा 1978। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसके अलावा जो निजीकरण है खेती का, 1982 में चाइना ने खेती का निजीकरण कर दिया एंड 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया। और इसने क्या, इसी से इससे कुछ समय पहले इसने सीज को अपनाया था। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो क्या है आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2001 में ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। तो क्या क्या आपको मेजरली इस टॉपिक में कवर करना है, चीन की शुरुआती स्थिति कैसी थी, माओ के शासनकाल कैसा रहा, इसमें सुधारों की पहल कैसे हुई और चीन और भारत के संबंध कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हुए पहले पार्ट के साथ कि चीन की शुरुआती दौर का शासन व्यवस्था कैसे रही। तो देखा ऊपर ने कि 1949 में क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और ये साम्यवादी जो शासन था शुरुआत में चाइना ने इसको अपनाया था। ठीक है, साम्यवादी शासन की वजह से जो चीन है पूंजीवादी विश्व से उसने अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे और ये अपने संसाधनों पर खुद निर्भर था। मतलब कि साम्यवादी होने की वजह से ये पूंजीवाद को ज़्यादा समर्थन नहीं करता था और आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा ये यकीन करता था। साम्यवादी शासन अपनाने की वजह से चीन की और सोवियत संघ आपस में अच्छी बनती थी, आपस में सलाह लेना, सहायता करना ये आम बात थी। इसके अलावा कृषि और उद्योगों का नियंत्रण सरकार के हाथ में था, जो साम्यवादी शासन की एक खूबी भी है कि सब कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। दूसरी बात करें चीन में जो माओ का शासनकाल था वो कैसा रहा, तो भाई देखो ये है
माओ जो कि चीन में आए थे, तो उनके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें रहें। तो पहली चीज़ अच्छी बातें करें कि क्या क्या अच्छा हुआ उनके टाइम पीरियड में। तो जितने भी नागरिक हैं, नागरिक को रोज़गार देने के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं बनाई गई, थोड़ा बहुत लाभ मिला लोगों को उससे। पहला फ़ायदा तो ये हुआ। दूसरा, चीन की जो शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे आगे निकलता गया चीन। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो सालाना दर पर क्या हो गया, 5 से 6% इसका विकास होने लगा। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई माओ के शासनकाल में चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये खड़ी हो गई कि भाई कुछ बुरी चीज़ें भी दिखने मिली, कुछ ऐसे प्रभाव कि जो उसके विकास में प्रॉब्लम आने लगे। तो पहली चीज़ है कि यहाँ पर हर साल 2 से 3% वार्षिक जनसंख्या बढ़ रही है। अब ये 2 से 3% लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन आप ये समझो, पहले मान लो 100 थी और 3 लोग बढ़ गए तो 103, तो अब 103 का 3% बढ़ेगा, फिर 103 का, इस तरीके से क्या है जो परसेंटेज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ रहा है आपका, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। अगर बात करें हम, तो खेती की पैदावार ठीक से नहीं हो पा रही थी। जो राज्य नियंत्रित आर्थिक था, आर्थिक जो राज्य का नियंत्रण था, उसकी वजह से देश में आर्थिक संकट आ गया। चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, उसके पास विदेशी व्यापार कुछ नहीं था, क्योंकि उसने साम्यवादी शासन को अपना करके अपनी अर्थव्यवस्था को सरकार के नियंत्रण में दे दिया था, और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। तो अब चीन को यह एहसास हो रहा था कि यार ये सब कुछ जो हो रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो इन सबको सुधार करने के लिए कहीं ना कहीं पूंजीवाद को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से यहाँ पे आर्थिक सुधार हुए, तो शुरुआत का जो श्रेय जाता है यहाँ पे देंग शाओपिंग को जाता है। उससे पहले जो चाउ लाई आ चुके थे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे थे, फिर भी हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं इसको, कि चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया। जो पहले अकेला था, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था, अब उसने अब अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर इसके प्रधानमंत्री आते हैं 1973 में, जिनका नाम होता है चाउ एन लाई। वो कृषि और उद्योग, सेवा एवं विज्ञान के क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को लेकर के प्रस्ताव रखते हैं। चलो, अच्छी बात है अपने आप में। 1978 में जो नेता होते हैं इसके, डेंग शाओपिंग, इसमें आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति घोषणा कर दी इन्होंने। अब खुले द्वार की नीति का मतलब ये होता है कि बाहरी कंपनियां आकर के अब चाइना में निवेश कर सकती हैं। इसे कहा गया खुले द्वार की नीति, जो कि 1978 में चाइना ने अपनाई। अब 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया, 1998 उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं चीन के अंदर, सुधार होना शुरू हो गया। छठे पॉइंट की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी बताया था मैंने शुरुआत में कि आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सभी उत्पादन की चीज़ें एक साथ इकट्ठी कर दी जाती एक ही स्थान पर। कि देखो, आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सेज है स्पेशल इकोनॉमिक, जहाँ पर उत्पादन की सभी चीज़ें एक साथ ही रख दी जाएंगी, ठीक है। और उत्पादन लागत बहुत कम आती है इसकी वजह से, जहाँ पर एक दूसरे स्टेट में बार बार चीज़ों को भेजना नहीं पड़ेगा, तो ये पैसा सेव हो जाता है इधर उधर ले जाने का, एक ही जगह पे सारा काम कंप्लीट कर लिया जाता है। तो चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया। आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है SEZ की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंग्लिश में है और विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका हिंदी में है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है चाइना। उसके बाद इसने एक नए कदम बढ़ाए दुनिया के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण कदम था ये चाइना का। तो ये सारी चीज़ें हुई जो कि अपने आप में बहुत अच्छी रही, लेकिन अब इसके कुछ बुरे प्रभाव भी देखने को मिले। चीन ने जो सुधार किया तो उसका बुरा प्रभाव भी हुआ। क्या हुआ, वहाँ के आर्थिक लाभ सभी लोगों को नहीं मिल पाए। भाई कुछ को मिले, कुछ को नहीं भी मिले, तो अपने आप में एक कमी है इसमें। दूसरा, पूंजीवाद तरीकों को अपनाए जाने की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ गई। भाई पूंजीवाद के अंदर क्या होता है, मशीनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लगभग 10 करोड़ लोगों को हाथ धोना पड़ा अपने रोज़गार से, लोग बेरोज़गार हो गए। वहाँ की जो महिलाएं थीं उनको कामकाज की जो स्थिति थी वह काफ़ी ख़राब थी, अपने आप में काफ़ी संतोषजनक स्थिति नहीं थी वहाँ पे। विकास के नाम पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान किया गया। चीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सामाजिक जीवन के साथ साथ वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ता गया, ठीक है, भ्रष्ट हो गए वहाँ के डिपार्टमेंट। इसके अलावा गाँव और शहर के बीच की बात करें हम, तो तटीय और मुख्य भूमि में रहने वाले जो लोग थे, यहाँ पे बात क्या बात करें हम कि गांव के लोग और शहर के लोग, जो कि रहने वाले जो लोग हैं उनके इनकम का, कोई भाई गांव का आदमी 5,000 ही कमा रहा है और शहर का आदमी 50,000 कमाने लगा है, तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि भाई आय की असमानता बढ़ रही है, कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं। अब चीन की जो विशेषता उसे खास बनाती है, एक देखा कि भाई दुनिया के अंदर वो क्या है, एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है अपने आप में, विकासशील अर्थव्यवस्था है अपने आप में। चीन की आर्थिक शक्ति दुनिया के सामने उसका लोहा मानने के लिए काफ़ी, आज के समय आप जानते हैं चाइना कौन नहीं जानता, उसका उद्योग धंधा करना, उसका जिस तरीके से काम कर रहा है उसके, और उसका व्यापार दुनिया के हर एक देश के साथ आज है, तो वो अपने आप में लोहा मानने के लिए काफ़ी। दूसरी बात करें, इसने अपने विवादों को बुलाकर
जो चीन ने जापान के साथ, अमेरिका के साथ, आसियान और रूस के साथ व्यापार संबंध स्थापित कर लिए हैं। अमेरिकी की बात करें, सॉरी, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा, आर्थिक सुधारों को आरंभ करने के बाद तेजी से चीन में आर्थिक विकास शुरू हो गया, आर्थिक वृद्धि होने लगी। विकासशील देशों की सूची में चीन विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। भाई, एक ऐसा विकासशील देश जो बहुत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहा है। और यूं कहें तो एशिया के अंदर जो विकास का इंजन वो चाइना ही है। वन मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है कि एशिया के विकास का इंजन किस देश को माना जाता है, तो आप आराम से आंसर लिखेंगे 1 मार्क्स का कि वो आंसर चाइना है। चलिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में, इसके पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, संसाधन अच्छे हैं, क्षेत्रीय स्थिति भी काफ़ी इसकी अच्छी है, राजनीतिक प्रभाव इसका दुनिया में अच्छा है, और तेज़ी से आर्थिक विकास के साथ साथ ये दुनिया के अंदर कई गुना तरीके से काफ़ी तेज़ी से अपना विकास करने में सक्षम है। अब बात करें चीन और भारत के संबंध, तो चीन और भारत के संबंध को हम दो पक्ष में देखेंगे। एक पहला पक्ष वो जहाँ पे विवाद रहे, दूसरा पक्ष जहाँ पर क्या है, हमारी सहमति रही। विवाद वाले मुद्दे स्टार्ट करते हैं हम कि हमारा चाइना का विवाद कब था, क्यों क्यों हुआ। तो पहली बात है, 1950 में चीन ने तिब्बत पर हड़पने को लेकर के, भाई हड़प लिए कोई दिक्कत नहीं, चीन ने तिब्बत पर कर लिया कब्जा। लेकिन इसी के साथ साथ भारत ने भारतीय सीमा पर चीन ने क्या कर दिया, कुछ बस्तियां बना दी। ठीक, अब इससे क्या हो गया, दोनों देश में अनबन हो गए। अब ये देखो, आपके आपके घर के किनारे किनारे कोई दूसरा व्यक्ति क्या है, बाउंड्री खींच रहा है, आप जिससे क्या है, आपके घर का क्या ग्रोथ ना हो सके, तो आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा, है ना। तो यही कुछ हो रहा भारत के साथ, भारत और चीन के संबंध हम बिगड़ गए। एंड 1962 में लद्दाख को लेकर के और अक्साई चीन जो कि और साथ के साथ अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में, अब चाइना अपना दावा कर रहा था कि ये इलाके मेरे हैं, उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। एंड इस युद्ध में भारत को थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा क्या, भारत काफ़ी यहाँ पे हारा था इस युद्ध के अंदर। और 1962 इस युद्ध के बाद, मतलब 1962 के बाद से लेकर 1976 तक दोनों देशों के जो संबंध बिल्कुल ख़त्म से हो गए। और अब क्या है, एक और प्रॉब्लम जो कई बार देखने को मिलती है, चीन पाकिस्तान को कई बार मदद कर देता है तो उससे भारत को बुरा लग जाता है। इसके अलावा चाइना नहीं चाहता था कि भारत परमाणु परीक्षण करे, उसने एक समय समय पर इसका विरोध किया है। ठीक है, अब विवाद वाले मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए जो छठा पॉइंट यहाँ पर सामने है कि बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन सैनिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे ताकि भारतीय हितों के खिलाफ काम किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो UNO है, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने जो आतंकी जो बताए गए ना सर, UNO के अंदर जो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत ने क्या किया, प्रस्ताव पेश किया। लेकिन अब इस मुद्दे पर चाइना ने अपनी वीटो पावर दी। अब वीटो पावर की आपको अगले चैप्टर, मतलब 4th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि जितने भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उन सभी के पास वीटो शक्ति किसी मुद्दे पर मना करने का अधिकार है, क्योंकि चाइना वहाँ का स्थायी सदस्य है, तो स्थायी सदस्य होने के नाते तो उसकी वीटो शक्ति मानी जाती है यहाँ पे। तो जब भारत ने जैसे मोहम्मद जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने की बात की, तो चाइना ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया, ये कहते हुए, मतलब ये कह करके कि भाई मेरे पास वीटो पावर है, मतलब वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसने क्या कर दिया, इस मुद्दे को निरस्त कर दिया। ओके, इसके अलावा भारत की बात करें, भारत ने अजहर मसूद को आतंकी घोषित करने के लिए UNO के अंदर प्रस्ताव पेश किया था, इस पर भी चाइना ने क्या वीटो लगाया। तो ऐसे ही जगहों पर क्या है, चाइना बार बार क्या कर रहा था, अपना वीटो प्रयोग कर लेता है। अब एक और है कि चीन की महत्वाकांक्षी इंपॉर्टेंट योजना अपने आप में वन बेल्ट वन रोड, मतलब जितने भी देश हैं इस एशिया के अंदर, तो ये क्या चाहता है कि सभी देशों से क्या गुजारे ही अपने आप में, जो ब्रिक्स वाला भी टॉपिक आपको मिल जाएगा, सभी देशों के अंदर वो चाहता है कि रोड रोड भी बनाए, मतलब रोड से कनेक्टिविटी करें। ठीक है, तो अब लेकिन भारत चाहता है कि भाई हमारे देश से ऐसा ना हो, ये भारत इसमें बाधा क्रिएट करता है, तो ये मुद्दा भी अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम वाला है इन दोनों के बीच में। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड वाले सिस्टम। चलिए, तो अब बात होती है विवाद वाले मुद्दों की, अब बात करेंगे जहाँ पे दोनों की आपस में सहमति बनती है। तो देखिए हम यहाँ पे, तो 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदला, 1970 में नए नेता आए और वहाँ पे व्यवहारिक मुद्दे थोड़े से प्रमुख हो गए। तो अब 1981, मैं 1970 के बाद से यूँ कह लें, भारत और उनका थोड़ा सा ठीक होने लगे संबंध, 1981 के बाद सीमावाद को दूर करने के लिए बातचीत शुरू की गई। 1988 में राजीव गांधी चीन की यात्रा करने के लिए जाते हैं और यहाँ पे संबंध सुधारने का मौका मिलता है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक में एक दूसरे का सहयोग और व्यापार के लिए सीमा की 4 पोस्टें खोलने के लिए समझौता भी कर लिया। ठीक है, एंड 1999 में, 1999 में, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार में 30% सालाना दर की वृद्धि से बढ़ रहा। 1999 में हमने चाइना के साथ व्यापार करने की बात की थी, तो तब से लेकर के हाथों क्या हुआ था, लगातार हमारे चाइना से व्यापार बढ़ता जा रहा था। आगे बात करते हुए, 1992 में जो व्यापार था हमारा वो था
30 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ, जो कि 2017 में 84 अरब डॉलर का हो गया। ठीक है, विदेशों से बात करें, विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध बनाने में एक जैसी नीति, मतलब दोनों ही विश्व व्यापार संगठन के साथ एक जैसी नीतियाँ रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी किसको लेकर के, चाइना को लेकर के। चलिए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंटली जापान है। आपको पता है जापान के बारे में, जापान का जो फ्लैग आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जापान का फ्लैग है। जो जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर परमाणु हथियार गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो परमाणु हथियार की मार झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के अंदर परमाणु बम गिराया था। उसके बावजूद भी जो जापान है बहुत तेज़ी से उसने अपने आप को विकसित किया है। तो उसमें खास खास बातें क्या है जापान को लेकर इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम सब पढ़ेंगे वन बाय वन। तो पॉइंट नंबर वन जो आपको दिख रहा है कि जापान ने 1964 में OECD, इसकी फुल फॉर्म आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका सदस्य बन जाता है जापान 1964 के अंदर। उसके बाद 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा एशिया के देशों की बात करें तो जापान अकेला है जो कि G7 का सदस्य है। इसका सदस्य है, G7 देशों का ये सदस्य बना हुआ है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है कि आबादी के लिहाज से जो जापान है विश्व का 11वां बड़ा देश है, जिसपे दुनिया के 11वें नंबर पर दुनिया की बड़ी आबादी है। ठीक है, जापान की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए जो पाँचवा पॉइंट है कि जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। यूएनओ के बजट के अंशदान के लिहाज से जापान दूसरा बड़ा देश है, मतलब इसके बजट में 10% जापान का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, अमेरिका का इससे भी ज़्यादा है। सो छठा पॉइंट इसमें आता है हमारा, 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन हुआ था। ठीक है, उसके मतलब परमाणु बम के हमले के 6 साल के बाद ये गठबंधन हुआ था। ठीक है, सातवां पॉइंट की अगर हम बात करें कि जापान के संविधान के हिसाब से एक अनुच्छेद था, आई थिंक नंबर लिखना भूल गया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। उस अनुच्छेद के अनुसार जो भी जितने भी जो राष्ट्र होगा, राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के बल प्रयोग तथा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा त्याग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जापान के जो भी लोग हैं, सिटीजन है वहाँ के, उनका जो मेन मोटिव रहेगा, मान लो किसी मुद्दे पर बातचीत से अगर हल हो सकता है तो उस पर कभी भी लड़ाई नहीं की जाएगी। उनके संविधान के अनुच्छेद में ये बात लिख दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आठवां जो पॉइंट है यहाँ पे अपने आप में, आठवां पॉइंट हमारा जापान का जो सैन्य व्यय, जापान जो अपनी सेना पर खर्च करती है अपनी GDP का सिर्फ 1% करती है। कितना? अगर वो 100 रुपये कमा रहे तो मात्र 1 रुपये ही, मतलब 1% ही वो अपनी GDP का उस पर खर्च करती है। और सैन्य व्यय के लिहाज से, खर्च के हिसाब से वो 7वां स्थान है, बोले तो 1% भी उनका काफ़ी ज़्यादा होता है अपने आप में। ठीक है, तो सेना के खर्च के हिसाब से 7वें नंबर पर वो अपने देश की सेना पर खर्च करते हैं। आपको ये मैप दिख रहा है, ये जापान का पूरा मैप है। सो आगे बढ़ते इसमें दक्षिण कोरिया जो हमारा है, बिल्कुल इसका लोगो पेप्सी के ढक्कन की तरह, आपने देखा पेप्सी का लोगो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। खैर, हर देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, चाहे अपने देश का हो चाहे किसी भी देश का हो। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पे आगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक जो आपका विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को बांट दिया गया। ठीक है, आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया पता नहीं तानाशाही शासक है, तो वहाँ पर किसका शासन है, उस व्यक्ति का नाम मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे चलें कि दक्षिण कोरिया की विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो दक्षिण कोरिया जो चैप्टर में हमारे बताया गया उसमें विशेषता नंबर एक है कि 17 सितंबर 1991 को दक्षिण कोरिया UNO का सदस्य बन जाता है। 1960 से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और इसको हम हान नदी का चमत्कार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हान नदी के किनारे स्थापित है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य बना, अभी ऊपर पढ़ा था ना OECD के बारे में, तो उसका सदस्य ये बन चुका था। इसके अलावा ये क्या हुआ कि चौथा पॉइंट जो बता रहा है कि 2017 के अंदर, 2017 में इसकी जो अर्थव्यवस्था दुनिया में 11 नंबर पर आ चुकी थी और सेना खर्च करने के मामले में इसको दुनिया में 10वां स्थान प्राप्त है,
चलिए दक्षिण कोरिया की विशेषता, वो जो छठा पॉइंट है यहाँ पे, मानव डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव के विकास की एक रिपोर्ट बनाई जाती है यूएनओ के द्वारा, तो उसको 18वां रैंक प्राप्त हुआ था उस पर। और इससे मानव विकास, इससे ये पता चलता है कि मानव विकास को लेकर ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है अपने आप। इसने क्या क्या काम किए, भूमि सुधार किया, ग्रामीण विकास किया, व्यापक मानव संसाधन आदि पर अच्छे तरीके से ये जो हमारा कोरिया है वो काम कर रहा है। कुछ खास कंपनियों के नाम आपने भी सुने होंगे, जैसे सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, हुंडई, जो ये सारे के सारे ब्रांड दक्षिण कोरिया के हैं जो भारत में काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, आठवां पॉइंट इसमें है, हमें जानने को मिल रहा है आठवां पॉइंट, जो क्या है आठवां पॉइंट इसका, कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बहुत सारे समझौते हैं जिससे व्यवसाय मतलब वाणिज्य और संस्कृति अपने आप में एक दूसरे से जुड़ गई है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है आपस में जुड़ गए हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक नया ऐड हुआ आपके सिलेबस में, तो उसके बारे में पढ़े। तो बेसिकली ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि एक समूह है जिसमें 5 देश शामिल है वर्तमान समय में, शुरुआत में 4 देश शामिल थे। तो उसके बारे में एक थोड़ी सी झलकी देखते हैं कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ये देखो ये 5 देश है, 1 2 3 4 5, तो इन 5ों देशों के नाम पे इसका नाम रखा गया। इन 5ों देशों में सबसे पहला ब्राज़ील है, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा चीन और पांचवा दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स को ये नाम किस व्यक्ति ने दिया? तो उसका वो है एक ब्रिटिश के अर्थशास्त्री जिनका नाम था जिम ओनिल। ये एक अर्थशास्त्री जिन्होंने ब्रिक्स का नाम दिया था। ठीक है, शुरुआत में इसमें सिर्फ ब्रिक था, मतलब इसमें सिर्फ 4 देश थे चाइना तक। दक्षिण अफ्रीका को बाद में इसका सदस्य बनाया गया था। जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस समूह में जोड़ा गया तो इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया। ठीक है, के बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया, के नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो के बाय मिस्टेक आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी कड़ी में। तो ब्रिक्स बेसिकली है क्या अगर पूछा जाए तो? बिग ब्रिक्स देखो डेफिनेशन वाइज क्या है, ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह। ठीक है, जो कि अंग्रेजी अक्षर ब्रिक्स की अगर बात करें, जिसमें क्या है सभी देशों के नाम का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें ब्राज़ील हो गया आपका, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इन सब के नाम का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर इसको रखा गया। बात करें हम कि ब्रिक्स की जो शुरुआत कब हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर ब्रिक्स की स्थापना को लेकर 4 विदेश मंत्री आपस में मिले, से भारत, ब्राज़ील, रूस और चाइना शामिल थे। उन्होंने इसके इस पर चर्चा की थी और फाइनली 16 जून 2009 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन था 2009 में हुआ था। ठीक है, और जिन पर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को सुधारने की बात की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो चीन संघाई शहर के अंदर स्थित है। ठीक है, इसको बनाने का जो उद्देश्य था, उसमें उद्देश्य की अगर बात करें, पहला कि अधिक स्थायी तौर पर हो, स्थायी क्या हो, न्याय संगत पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास किया जा सके, स्थायी विकास, न्याय संगत विकास और पारस्परिक मदद करने वाला विकास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग देशों के बीच सहयोग और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना, जितने भी देश हैं उनको के बीच क्या करना, सहयोग स्थापित करना और अपने विकास को आगे बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य कि आर्थिक स्थिति और विकास का ध्यान रखा जाता है, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश हैं आपको पता चल चुका है कि इसके जो 5 सदस्य देश हैं उनका आर्थिक विकास करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात कि इन देशों में, जिन देशों में गरीबी की बात होती है, तो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए काम करना, व्यापार को बढ़ाना, निवेश को तेज करना इसका मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। इसके अलावा जो हमारा 5वां पॉइंट है इससे रिलेटेड जो है हमारा, कि ब्रिक्स वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधारने के लिए मूल उद्देश्य से बहुत विविध उद्देश्यों के साथ एक नई आशाजनक राजनीतिक आयोग के रूप में उभर रहा है। मतलब ये एक ऐसा मंच बना हुआ है जो जितने भी वित्तीय व्यवस्था है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या सुधार होने चाहिए, तो उस पर बातचीत करने का, उस पर क्या सुझाव होने चाहिए सुधार के लिए, उसके लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, बात करें इसकी विशेषताओं की ब्रिक्स के, तो जो ब्रिक्स के देश हैं उसके पास दुनिया की 40% आबादी का हिस्सा है इन देशों के पास। विश्व की बात करें तो विश्व के जीडीपी का 30% इनकी भागीदारी है ब्रिक्स देशों की। ठीक है, विकासशील देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंजन के रूप में काम कर रही है जो संगठन है। ठीक है, ब्रिक्स के दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों के एक साथ लाता है। ठीक है, इसके अलावा वैश्विक व्यापार का एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व है। विश्व व्यापार की अगर बात करें तो बहुत बड़े व्यापार का हिस्सा इन देशों के पास है। वर्तमान समय वैश्विक शक्ति के रूप में एक उभरता हुआ एक संगठन नहीं है, समूह है अपने आप। अब भारत और ब्रिक्स कैसा आगे आगे जुड़े हुए आपस में, मतलब दोनों के संबंध की स्थिति कैसी है, ब्रिक्स और भारत, खैर भारत भी इसका हिस्सा है, लेकिन बावजूद ब्रिक्स भारत के लिए कैसे हेल्पफुल है, या भारत ने ब्रिक्स का क्या सहयोग कर, उसकी बात करें यहाँ पर।
तो भारत सदैव ही वैश्विक आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के मंच को महत्व देता रहा है। भारत ने हमेशा सपोर्ट करा है ब्रिक्स संगठन को, समूह को। इसका जो एक बैंक है जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, से भारत को मदद मिलती रही है। और जो ब्रिक्स के कारोबारियों से, जितने भी कारोबार बिजनेसमैन है, भारत में निवेश करने का आग्रह किया भारत ने। भारत ब्रिक्स को लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाने के लिए मंच के रूप में देखता है। अब यूँ समझो कि जो भारत अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ और एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको कहता है कि ये देश हम पर क्या करें, आके निवेश करें। साथ के साथ यहाँ पर जो हमारा इस डेवलपमेंट की बात करें, जो राष्ट्रीय विकास बैंक है हमारा, तो साथ ही साथ न्यू डेवलपमेंट की जब स्थापना हुई तो भारत ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि NDB होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि हमें फाइनेंशियली हेल्प करेगा, इस ग्रुप को हेल्प करता है। तो ब्रिक के भारत के भोजन और ऊर्जा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है, तो ब्रिक ने काफ़ी सपोर्ट करा भारत को, किस मामले में, आतंकवाद को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के, इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा मदद करी। तो ये क्या है, हमारा चैप्टर है ऑलरेडी कंप्लीट यहाँ पे होता है। एक बार हम फिर भी पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी हमें याद रखनी है। ठीक है, एक था कि हमने पहला टॉपिक पढ़ा यूरोपीय यूनियन के बारे में, जिसकी स्थापना 1993 में मास्टर संधि के तहत हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि 8 अगस्त 1967 में 5 देशों, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ने बैंकों घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान नाम संगठन की स्थापना की थी। अब बात करें हम थर्ड पॉइंट पे, 1978 में चाइना के बारे में, जो डेंग शियाओपिंग जो नेता थे, उन्होंने चाइना के अंदर आर्थिक सुधार की बात की। उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि 1982 में चाइना का निजीकरण किया, किसका, खेती का। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। उसके बाद जापान वाला पॉइंट है कि 2017 में जापान विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी। 1960 से 80 के दशक के बीच जो जापान है आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास कर रहा था, जिसे हान नदी का चमत्कार माना गया। ठीक है, सातवां पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो सातवां पॉइंट है कि 1960 से 80 के दशक के बीच जापान का वाला पॉइंट, अच्छा ओके ठीक है, हो गया हमारा। इसके अलावा ब्रिक्स दुनिया की सबसे बड़ी उभरती शक्ति के रूप में, यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा मिसिंग है जो आपका दक्षिण कोरिया के बारे में, तो दक्षिण कोरिया के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसकी सबसे खास बात क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। तो समझ आया तो दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।